एवरीवन, और आज हम बात करने वाले हैं एक पजल की। पजल में हमारे पास एक रेक्टेंगल है और हमें उसको स्क्वायर से भरना है। तो स्क्वायर्स को मैं आपको बता देती हूँ होता क्या है। स्क्वायर्स में हमारी हाइट और हमारी बेड सेम होनी चाहिए, बट रेक्टेंगल में हमारी हाइट और बेड डिफरेंट हो सकती हैं। तो अब रूल्स की बात करते हैं। रूल्स हमारे दो हैं। पहला रूल ये है कि सारे स्क्वायर सेम साइज के होने चाहिए। दूसरा रूल ये है कि पूरा रेक्टेंगल फिल्ड होना चाहिए और हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स यूज करने हैं। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर हम 1 by 1 का करेंगे तो ये फिल्ड हो जाएंगे, बट इनमें 150 स्क्वायर्स लगेंगे और हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स करने हैं। अगर आप 2 by 2 का लेंगे तो फिर ये पूरा फिल नहीं होगा, क्योंकि ये और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इसलिए हमारा 1 कॉलम रह जाएगा। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए आप किस साइज का स्क्वायर यूज करेंगे और कितना मिनिमम स्क्वायर्स यूज करेंगे। आई होप आपने इसका आंसर निकाल लिया हो। जिसने नहीं निकाला है मैं उसको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है 5 x 5। आप 5 x 5 के साइज का स्क्वायर यूज करेंगे और आप नंबर ऑफ स्क्वायर्स यूज करेंगे 10 x 15 by 5 x 5 विच इज 6। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारा आंसर हाइट और विड्थ का HCF होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इस वाले एग्जाम्पल में हमारी हाइट और हमारे विड्थ का HCF 5 है और हमारा आंसर भी 5 है। तो हम देखते हैं कि इसका आंसर HCF क्यों आया। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो फिर हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम बड़े से बड़े स्क्वायर को यूज करेंगे। अगर आप एक और चीज़ नोटिस करें तो हमें पूरा रेक्टेंगल फिल करना है, तो फिर हमारे रेक्टेंगल की हाइट और विड्थ को हमारे स्क्वायर की साइड से इक्वली डिविजिबल होना चाहिए। अगर आप दोनों पॉइंट्स को ध्यान से देखें तो हमें ऐसा सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो हमारे रेक्टेंगल की हाइट और विड्थ दोनों को इक्वली डिवाइड करे, यही तो हमारा HCF होता है और यही हमारे स्क्वायर की साइड होगी।